अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की योजना पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मंदिर में निर्माण की नियमित समीक्षा हो रही है। कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को अक्टूबर 2023 तक पूरा करा लिए जाने की संभावना जताई गई है। मतलब ये है कि पहले राम मंदिर के प्रथम तल को बनाने की डेडलाइन दिसंबर 2023 थी, लेकिन अब इसे घटाकर अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। इसके बाद रामलला को मंदिर में विराजमान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंदिर के निर्माण के साथ ही यात्री सुविधा केंद्र के निर्माण को भी शुरू कराने का निर्णय लिया गया है। मंदिर में पिल्लरों को खड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उसकी ऊंचाई 10 फीट तक पहुंच गई है। निर्माण स्थल पर मंदिर अब भव्य रूप लेता दिख रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दावा किया है कि राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण अक्टूबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद मंदिर के गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो जाएगी। चंपत राय ने बताया है कि मंदिर के पिलर खड़े हो रहे हैं, जिनकी ऊंचाई 10 फीट तक पहुंच गई है। इसकी ऊंचाई 19 फीट तक ले जाई जानी है। उसके बाद बीम डाली जाएगी और छत का निर्माण शुरू हो जाएगा। मंदिर के फर्श पर मकराना के संगमरमर लगेंगे, जिसकी मोटाई 35 मिलीमीटर रहेगी। इस पर 15 मिलीमीटर गहराई में खूबसूरत काली नुमा डिजाइन की जाएगी। ये कार्य भी अप्रैल मई से शुरू हो जाएगा। बता दें कि मंदिर निर्माण समिति की बैठक में यात्री सुविधा केंद्र के निर्माण की भी चर्चा की गई है। निर्माण में सभी छोटी बड़ी सुविधाएं और इसकी व्यवस्था पर मंथन किया गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे परिवार का हिस्सा आप जरूर बने, ताकि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी बन सके। कॉमेंट बॉक्स में जय सियाराम जरूर लिखे। जय सियाराम।